तो फूल मर जाएगा जाड़े में, हाथी गए वो कहने में हैंडपंप गया कबाड़े में और हाथी खड़ा अखाड़े में। जिंदाबाद 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 सुरेश गर्ग जिंदाबाद। कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से भरतपुर से सुभाष गर्ग जीत रहा है। गड़ी। गड़ी। अच्छा कैसे तुसी? असी नॉट पंजाबी, असी राजस्थानी ना हो। जीत रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। हाँ भारी बतूमत भारी वोटों से विजयी होंगे वो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की धमाकेदार वीडियो को सिर्फ आपने थोड़ा सा देखा है दोस्तों, तो चलिए ना टाइम ना वेस्ट करके सीधा मुद्दे पर ही आ जाते हैं और पूरी वीडियो में आगे जो होने वाला है वो सीधा दिखाते हैं। घड़ी खम्मा नमस्कार, राम राम, कैसन बा राजस्थान। भरतपुर जाने का ये दरवाजा हमारे स्वागत में खड़ा हुआ है, वकीलों के बीच में बैठे हुए, देख लीजिए चारों तरफ से काले कोट के वकीलों ने हमको घेर लिया है। अच्छा, इनसे बेहतर चुनाव का माहौल कोई नहीं जान सकता, एकदम बारीकी नजर इन लोगों की रहती है। असल बीजेपी से और कांग्रेस आरएलडी गठबंधन के जो मौजूदा विधायक है वो है सुभाष गर्ग, प्रतिद्वंदी है विजय बंसल। हाल क्या है आप ही लोग बताएंगे। घड़ी खम्मा खम्मा गड़ी, सुभाषगढ़ जी का माहौल ठीक है, माहौल ठीक लग रहा है। और उन्होंने जितना विकास राजबहादुर जी के समय पर हुआ था उसके बाद सुभाषगढ़ जी ने ही मेरे जो मैंने जब से हो संभाला है तब से मैंने उनका ही कार्यकाल ऐसा देखा है जिसमें विकास हुआ है। आज के खुद हम सारे एडवोकेट हैं, आज ये देखा जाएगा शिक्षित कौन है, ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है। जी जी, कौन है शिक्षित? शिक्षित सुभाष गर्ग है ज्यादातर। और मौजूदा विधायक हैं, आप लोग ने पिछली बार भी भरोसा किया था। विकास किया है, विकास किया है, पहली बार ही मंत्री बनाया है, सारे काम किए हैं भरतपुर में, अच्छा काम किया है। बताइए कौन से, क्या बोल रहे हैं? साहब बीवी है, गिरीश चौधरी जी भी तो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे नहीं वाली बात कहाँ से आ गई? पढ़े लिखे शिक्षा, विजय बंसल पढ़े लिखे नहीं है क्या? बंसल भी पढ़े लिखे, शिक्षा की बात है, शिक्षा तो वो भी है, शिक्षा तो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं है। विजय बंसल शिक्षित नहीं है क्या? इतने शिक्षित नहीं है जो सुभाष गर्ग जी है। ऐसा है, शिक्षा पे कहाँ चर्चा हो गई? चर्चा चुनाव की चल रही है, हवा किसकी है, सुभाष गर्ग की विजय बंसल की है? सुभाष गर्ग, बिल्कुल सुभाष गर्ग की है। ऐसा है, अब के माहौल बदलने वाला है। हमारे यहाँ में 80,000 कम से कम जाट मतदाता है। जाट मतदाताओं का यह कहना है कि हमारे यहाँ पर 50 वर्षों से कोई भी जाट को MLA नहीं बनाया गया है, जबकि और ब्राह्मण समाज भी यह कहता है कि न तो हमको बीजेपी वालों ने टिकट दिया और न ही हमको कांग्रेस वालों ने टिकट दिया। तो भाई साहब ये बात तो बहुत पहले से चल रही थी कि जाट समुदाय के लोग अपना कोई, मैं आपको बताता हूँ, जबकि जाट समुदाय और हमारा जो ब्राह्मण समुदाय है BSP को मुड़ चुका है, और जाट समुदाय ब्राह्मण समुदाय की सभी वोट BSP के लिए आ रही है। और अब के हमारे यहाँ से गिरीश चौधरी जी निकलने वाले हैं, 100% सत्यवाद है, भारी बहुमत से जीतेंगे। गिरीश चौधरी जिंदाबाद। अच्छा, पिछली बार भी 2 सीटें बसपा के पास गई थी, बसपा के खाते में, इस बार भी क्या माहौल, बसपा का माहौल कितना है यहाँ पर गिरीश चौधरी का? 100% 100% 100% 100% एडवोकेट पूरन सिंह सज्जनवार एडवोकेट हैं, वो खड़े हुए हैं, प्रत्याशी हैं, यहाँ वकील समझा तो उन्हीं को वोट देगा। ये है, ये भी है, अपना अपना चल रहा है खेल यहाँ पर। कैसे है घड़ी खम्मा? खड़ी खम्मा हम सही है, हमारा जो डी कुमेर विधानसभा क्षेत्र है। आपने हमको देखते हैं कि आप पश्चिमी राजस्थान से, मैं जयपुर में रहा हूँ 5 साल, तो मेरे साथ पश्चिमी राजस्थान के बहुत लड़के रहे हैं। तो आपको ये कैसा लगा कि हम पश्चिमी राजस्थान? बहुत अच्छा लगा, तभी तो मैंने आपसे कहा था। और सुनो, मैं हमारी खासियत है, हम जहाँ जाते हैं वहीं के रंग में ढंग जाते, तभी भाई को लगा कि हम पश्चिमी राजस्थान से। भैया हम उत्तर प्रदेश से आए, पश्चिमी राजस्थान के मेरे बहुत फ्रेंड है। तो मैं डीक कुमेर विधानसभा क्षेत्र से हूँ, हमारे यहाँ से महाराजा बिश्वेंद्र जी जीत रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। हाँ, भारी बतूमत भारी वोटों से विजयी होंगे वो। का माहौल है पूरा, और बहुमत से, भारी बहुमत से हम राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आपके सुभाष गर्ग ने कौन सा पाप कर दिया है? बीजेपी से थोड़ी है, बीजेपी से थोड़ी है, पाप कौन सा कर दिया? आपको ये नहीं पता है कि कौन किससे खड़ा हुआ? सुभाष गर्ग है, RLD से गठबंधन है कांग्रेस का। मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूं। पहले सुन लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब होता है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मामला गड़बड़ हो जाता है। हम ये पूछ रहे हैं कि सुभाष गर्ग ने कौन सा पाप कर दिया जो सुभाष गर्ग को नहीं चुन रहे हैं? अब की बार तो मेरे को लगता है कि गिरीश चौधरी जी जाएंगे। गिरीश चौधरी जी मैम, तो फूल मर जाएगा जाड़े में, हाथी गए वो कहने में हैंडपंप गया कबाड़े में और हाथी खड़ा अखाड़े में। क्या
बचा क्या हाथी, और क्या बचेगा भाई, हाथी के अलावा है क्या यहाँ पे? अच्छा आपको क्या, हाथी अखाड़े में खड़ा है भैया, बाकी कोई मैदान में नहीं है। हाथी जीत रहा अच्छे वोटों से, गिरीश चौधरी, गिरीश चौधरी पे भरोसा दिखा रहे हैं। अच्छा बैठिए यहाँ पर, बैठिए। गिरीश चौधरी पर इतना भरोसा क्यों दिखा रहे हैं आप लोग? अच्छा प्रत्याशी है वो, जाट प्रत्याशी है, जाट प्रत्याशी है, अच्छा प्रत्याशी है। हाँ देखो मैडम, जाटों की यहाँ 80,000 मतदाता हैं और आज तक जाट MLA नहीं बना, तो अब की बार गिरीश चौधरी का माहौल है। देखो अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने काफी योजनाएं भी निकाली हैं और केंद्र में अगर देखा जाए तो BJP ने अच्छा काम किया है, तो लेकिन यहाँ पर भरतपुर में दोनों ही जो विजय बंसल और ये सुभाष गर्ग हैं, ये आपस में एक दूसरे के वोटों को काटने की संभावना रखते हैं। कांग्रेस के कुशासन से सब बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए, ऐसे मची है यहाँ तो लूटमार मची है। तो गर्ग साहब है ना, अभी तक तो ये इनको होमवर्क बढ़िया हुआ, ये आगे चल रहे, इनको विष मिल रहा है, अमृत मिल रहा है, नहीं अमृत है, विष मिल रहा है और क्या। अच्छा आपको क्या लगता है बाबूजी, जहाँ तक मेरी नज़र में है गर्ग साहब का जोर ज्यादा दिखाई दे रहा है, ज्यादा दिखाई दे रहा है। अच्छा बसपा आएगी, BSP गिरीश चौधरी, BSP पे गिरीश चौधरी, गिरीश चौधरी भरोसा दिखा रहे हैं लोग, कारण क्या है? क्योंकि जो जाट विधायक था वो कभी जाट विधायक यहाँ से बना नहीं है, और जाटों के यहाँ सबसे ज्यादा वोट है भरतपुर के अंदर, तो इसलिए ब्राह्मण रह चुका, बनिया रह चुका, अब जाटों का रुझान ज्यादा रुद्री तरफ है, बसपा की तरफ। क्या लग रहा है आपका, भरतपुर कौन लेकर जा रहा है? अब के सुभाष गर्ग जी निकलेंगे, सुभाष गर्ग जी, कांग्रेस गठबंधन पर भरोसा, आशीर्वाद किसको मिल रहा है ये बताइए, गठबंधन को, BJP को या फिर बसपा को? देखिए मेरे हिसाब से BJP को यहाँ से निकलेगी। आपके दिल में कौन है? हमारे दिल में तो ये बात है साहब कि बसपा के लिए, बसपा से गिरीश चौधरी, गिरीश चौधरी को, क्योंकि काफी दिन से वो प्रेशर था कि कांग्रेस में सारा जीवन सही निकल गया, उसको कोई चांस नहीं दिया, और अभी मतलब गर्ग आया, डॉक्टर गर्ग, तो इसने दो पैसा काम नहीं किया, इसने बिल्कुल काम नहीं किया, और सब रालोद का और कांग्रेस का गठबंधन बन के, और मतलब कुछ कुल मिला करके बकवास। राजनीतिक दल वाले हैं ना, ये कुछ करते नहीं है, BSP से आपके उम्मीद है, और आपके वो करने की कुछ क्षमता भी है उन लोगों में, और कहने की यह है कि हम आदमियों से मिलते हैं, सभी से जनसंपर्क में, अब हम उन्हीं के लिए विधायक जो है गठबंधन से सुभाष गर्ग, कांग्रेस वाले वो नहीं मिलते वो व्यक्तिगत। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।